बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझ में आ जाए, और उसी तरीके को हम रिपीट नहीं करेंगे, उसी तरीके पे हम आगे जाके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बेहतर समझ आने के लिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें और फिर क्वेश्चन 3 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फॉलोइंग आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन यहाँ के जो वैल्यू है इसमें के की जगह आपने -2 लिखना है, एल की जगह 3 लिखना है, एम की जगह आपने 4 लिखना है। बहुत आसान है वही तरीका कि जो चीज आपके पास कांस्टेंट होगी उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको आपने वैसे ही लिखना है। जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज ये दी हुई हैं, वैल्यूज डाल दें, मल्टीप्लाई करें और जो साइन दरमियान में है उन साइंस को अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसका लेते हैं सोल्यूशन k² k = -2। तो मैं इसको कह दूंगा -2 ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद बच्चों एक और ब्रैकेट है, उसके बाद एक और ब्रैकेट है 2l, 2 ऐसे ही होगा, l = 3, l की जगह मैं लिखूंगा 3, 2l, फिर माइनस और उसके आगे है 3m, 3 मैं वैसे ही लिखूंगा, और m जो है मेरे पास वेरिएबल है, m की वैल्यू है 4। अब बच्चों आपने एक काम ये करना है कि ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इनको आपने पहले सॉल्व करना है, और फिर जो आंसर आ जाए बाहर वाले जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होगी इसको उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। हर जगह आपने यही तरीका जो है इस्तेमाल करना है। अच्छा बच्चों सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 = 4, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4। अब वो ब्रैकेट वैसे ही आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, माइनस की जगह माइनस, 3 × 4 = 12, 6 − 12 = −6, 4 × −6 = −6, 4 × 6 = 24। यहां पर साइन कोई भी नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास −24। ये इसका आंसर है। अब बच्चों जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। √k² + l² बहुत आसान है बच्चों, आप 5m को बाहर रखेंगे, k का स्क्वायर l का स्क्वायर वैल्यूज आप डालेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर अंडर रूट आप निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप 5m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम ये वैल्यूज ऊपर दी हुई है, ये वैल्यूज इससे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका बच्चों। बहुत आसान, 5 की जगह 5m, m की जगह लिखूंगा 4 ब्रैकेट डाल के, ठीक है। 5 और m के दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब है जब दो चीजों के दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो 5 × 4, फिर अंडर रूट का निशान, अंडर रूट का निशान वैसे ही बच्चों, k² k की जगह -2 − 2² फिर प्लस का निशान, l² l क्या है 3, ये हो गया 3² अच्छा 5 × 4 = 20 −2 का होल स्क्वायर −2 × 2 = 4 −± + तो ये हो जाएगा 4 प्लस अपनी जगह पे 3 का स्क्वायर 9 4 + 9 = 13 तो ये हो जाएगा आपके पास 20√13। अच्छा बच्चों अब 13 का अंडर रूट जो है यह हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर सॉल्व हो जाता, अगर 12 होता तो फिर 12 को हम कह देते 4 को कैंसिल करके हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 13 है तो 13 का अंडर रूट अगर सॉल्व होगा तो पॉइंट में आ रहा है, तो हमने पॉइंट में नहीं लेना, मैनुअल उसको सॉल्व करना है, तो बस यहाँ पर यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है k + l + m / k² + l² + m² रेशनल एक्सप्रेशन आ गई है, और ये इसी सवाल का आखिरी पार्ट है। तो इधर हम ले लेते हैं आपके पास k, k की वैल्यू है −2 और फिर आ रहा है प्लस l, l की वैल्यू है 3,
तो आप लगाएंगे 3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। प्लस फिर आ रहा है n, n की जगह आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, l l की जगह आप लिखोगे 3 स्क्वायर वैसे ही, फिर ये प्लस है प्लस वैसे ही m स्क्वायर, m की जगह आप लिख दोगे 4 और ये आ जाएगा स्क्वायर। अगर खोल दो ये आप इसको खोलोगे, अभी आप डायरेक्ट प्लस नहीं करो, आप इसको वैसे ही एक दफा लिख के स्क्वायर खोल लो, उसके बाद जो है आप जाके इसको प्लस करो, तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16। अब ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 इट विल बी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 ये आ गया प्लस 5 4 प्लस 9 13 13 प्लस 16 ये हो गया आपके पास 29 5 बाय 29 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा, छोटा लेक्चर था, वही बात है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें, और बच्चों अभी तक सब्सक्राइबर नहीं आए आपके तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, पिछली वीडियो कुछ लोगों ने व्यूज किए हैं लेकिन ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया, तो एक ही दिल है मेरा वो भी तोड़ दिया आपने, तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।